तो कैसे हैं सब? आज है मसल मीडिया सीरीज़ का डे वन। तो आज हमने करा चेस्ट एंड शोल्डर्स। तो दिन का शुरुआत मैंने किया है ओट्स, बनानाज एंड ड्राई फ्रूट्स खा के। उसके बाद निकल गए हम जिम के लिए। जिम में सारे ट्रेनिंग, सारे मोबिलिटी ड्रिल्स ख़त्म करके हमने स्टार्ट करा बेंच प्रेस के साथ। आज मेरा मेनली फोकस बेंच प्रेस था। तो बेंच प्रेस में मैंने करे 80 kgs के, मुझे टारगेट दिया गया था 10 reps का, बट मैंने 11 reps कर लिया। तो टोटल मैंने बेंच का करा 4 sets, जिसमें से एक मेरा वार्म अप सेट था एंड लास्ट सेट मेरा 80 kgs का, ये जो सेट चल रहा है वो है। एंड उसके बाद हमने करा इंक्लाइन प्रेस मशीन पे। मशीन इंक्लाइन प्रेस के करे हमने 3 sets, 12, 10, 10। मशीन में इसीलिए प्रेफर करता हूँ, थोड़ा स्टेबिलिटी मिलता है, आई कैन गो हैवी, थोड़ा हैवी जा सकता हूँ ईजिली, तो आई प्रेफर मशीन्स ओवर दैट। एंड उसके बाद हमने करा पेक डेक फ्लाई, जिसके करे हमने 2 sets टिल फेलियर तक करा हैवी वेट लेके। उसके बाद मैं करता न्यू शोल्डर प्रेस, मैंने करता सीधा लेटरल लेस 3 sets 12 reps, देन रियर ड्रिल फ्लाई एंड देन ट्राइसेप का एक एक्सरसाइज, एक मूवमेंट दैट इज केबल पुश डाउन्स। रोप के साथ भी कर सकते हो या फिर अगर ये अटैचमेंट होगा तो बेटर है। उसके साथ मैं अपना वर्कआउट ख़त्म करके घर के लिए निकल गया। घर से घर में पहुँचने के बाद मैंने खाए अंडे और राइस। उसके साथ मैंने खेला अपने टोटो के साथ, मेरा डॉगी। डिनर में हमने खाया वेजिटेबल पुलाव, चिकन 300 grams, दाल एंड अंडे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये फिटनेस सीरीज अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना कि क्या वीडियोज़ मैं ला सकता हूँ आपके लिए, कैसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला सकता हूँ। एंड कोशिश यही रहेगी कि मैं अपना वो रेजिम, वर्कआउट रेजिम पर कंटिन्यूस रहूँ, बीच में कुछ गैप ना है, जैसे मैं अभी हाल फिलहाल में चल रहा था। और अगर भगवान के नाम पे सब सही चलता रहा तो मे बी दिसंबर तक मैं मसल में नहीं खेलूँ। तो तब तक के लिए बाय।